मैं आपका दोस्त साइकिल बाबा, वर्ल्ड बाय साइकिल ट्रैवलर, नाउअडेज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन बाइक। ये खड़ी है दन्नो और ये खड़ा तेरा भाई, ठीक है। ब्रेक टूट गया है, ब्रेक तो ठीक नहीं होएगा उसका, दो दिन लगेगा, तीन दिन लगेगा, बट पिछले रिम में इज अ व्हाट्स योर नेम लाचा, वरुण ने बहुत हेल्प किया है, आई एम ग्रेट ग्रेट थैंकफुल टू यू ब्रदर। और उसका अगला वाला जो चिमटा है वो कल गिरी थी तो उससे वो टूट गया, और अब हमें शायद दन्नो भी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन आई हुई है, तो देखते हैं कैसे है। अब खैर आप लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स इन इंडियन वी से धन्यवाद, इट्स सेम लाइक थैंक यू। तो आज हम यहाँ से स्लोवाकिया की तरफ चलेंगे, वहाँ से फिर हम आज शायद हम स्लोवाकिया में एंटर कर जाएंगे, वहाँ से फिर हम वियना ऑस्ट्रिया की तरफ निकल जाएंगे। तो कल धन्नो को ठीक करवाया है, अगला ब्रेक काम नहीं कर रहा अभी भी, और रिम में थोड़ा सा बल है पर पूरा ठीक नहीं हुई है, तो बगैर ठीक करवाए ही चल रहा हूँ, बगैर फ्रंट ब्रेक के। पीछे वाले ब्रेक के लेदर मैंने चेंज कर लिए थे, बहुत कॉस्टली है यार, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो ऑस्ट्रिया पहुँचता हूँ जल्दी से जल्दी, वहाँ जा कर देखूँगा। स्लोवाकिया में एक दिन रुकेंगे, वहाँ की कैपिटल रास्ते में। फर्स्ट एड किट है, दवाइयाँ देखो कितनी भर रखी है मैंने, आज कुछ खानी पड़ रही है। सुबह उठा ना, रात तो जिस हॉस्टल में रहा था वहाँ पे कोई गर्मी बहुत थी, ना कोई एसी ना कोई पंखा था, तो सुबह उठा अचानक इतना सर दर्द हो रहा सारा, तो अभी पानी पिया, पानी पीते वोमिटिंग आ गई, तो कुछ पहाड़ की चढ़ाई थी, चढ़ाई चढ़ते हुए थोड़ा सा खा लिया। देख तो भाई लोगों, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि फर्स्ट एड किट में रखना क्या चाहिए। थोड़ी सी तो बैंडेड रखनी चाहिए, एक दो प्लास्टर रखना चाहिए, टेप जिसको बोलते हैं, एक गर्म पट्टी रखनी चाहिए, और छोटी सी कैंची भी रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक सेफ्टी पिन जिसको बोल सकते हैं वो रख सकते हो, बीटाडीन की बोतल आती है बीटाडीन रख लो, एक थर्मामीटर रख सकते हो, एंटी एलर्जिक रख सकते हो, एंटीसेप्टिक क्रीम रख सकते हो भाई, और थोड़ी सी खांसी के लिए, खांसी जुखाम की कोई भी मेडिसिन लेके रख सकते हो आप। एंटी एलर्जिक में जैसे सिट्राजिन वगैरह आप एक दो रख सकते हो अपने साथ में, और पैरासीटामोल का पत्ता आप साथ लेके जा सकते हो, एंटासिड भी रख सकते हो आप ताकि कहीं पे तेजाब वेजाब खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो वो रख सकते हो। हालांकि मैंने कुछ मेडिसिन और रखी हुई हैं, वो ज़्यादा मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, बट ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने फर्स्ट एड किट में रखना चाहिए। इस हाईवे पे एक अच्छी चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी अलाउड नहीं है, ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, पर तेरे भाई की धन्नो अलाउड है यहाँ पे। हाईवे नंबर 10 और यहाँ से 60 किलोमीटर स्लोवाकिया रह गया है, अब हम स्लोवाकिया में एंटर कर जाएंगे। ये साइकिलिंग लाइन अलग है, पिछले 25 किलोमीटर से इस लाइन पे आ रहा हूँ भाई मैं। मैं इस रूट से इधर जो रूट गया उससे स्लोवाकिया में इंटर कर सकता हूँ, इस नदी के परली तरफ स्लोवाकिया है,
बट क्या है कि शाम हो गई है भाई लोगों, और शाम को रिस्क लेना थोड़ा सा गलत बनता है किसी नई कंट्री के नए रूल नई रेगुलेशन। हंगरी का तो मुझे पता चल गया है, तो मैंने सोचा सीधा चलो 40 किलोमीटर बाद में किसी नदी के साथ साथ दोबारा से आप एंट्री कर सकते हो। हो गई शाम, बज चुके हैं 8:30 PM। इधर थोड़ा दिन जल्दी छिपने लग गया यार, 9 बजे अंधेरा हो जाएगा। रात के बज गया 10:30 और आज हमें अभी तक कोई जगह नहीं मिली है सोने की। अभी एक नदी क्रॉस कर रहे हैं, बहुत बड़ा सा पुल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो रात का स्टे हमारा यहाँ था इस जगह पे, इधर नौकड़ी है और इस पे मैं सोया था। तो बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो अभी हम स्लोवाकिया पहुँच जाएंगे। धूप निकलाई है पर लोग कोई भी नहीं जगा अभी तक यहाँ पे। एक चीज़ देखोगे, इनके घरों में दो दो खिड़कियाँ होती हैं, एक तो अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। बाहर वाली रात को बंद कर देते हैं जिससे कि अंदर धूप ना आए और लेट तक सो सके। सुबह हो गई मामू 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 6:30 AM। ये जो सारा बॉर्डर था, ये कस्टम एरिया या जो भी चीज़ थी, ये हंगरी की थी। अब जो सामने पुल दिख रहा है वो वह नदी है जो बुदापेस्ट में दिखाई थी आपको, सबसे बड़ी नदी, यूरोप की गंगा बोल सकते हो आप इसको। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, आधा मैं अभी हंगरी में हूँ, आधा स्लोवाकिया में हूँ। ये जो नदी है यही इनका बॉर्डर है, और बहुत प्यारी नदी है और साफ देखो कितनी है, पानी देखो कितना साफ है। तो अब हम 35वीं कंट्री में पैर रख चुके हैं भाई, ये लो। वेलकम। स्लोवाकिया की पहली सिटी। रोड साइड सेब का पेड़ है भाई, देख लो। मैं दन्नों को इसके अंदर ही घुसा दूं। आपको सेब खाना खा सकते हो, पर अभी ये पके नहीं है। और रोड साइड पे हजारों पेड़ ऐसे देखो कैसे लदा हुआ है फ्रूट से। बीज तैयार हो गया, पक गया है। ये अंदर बीज निकलते हैं ना सूरजमुखी के, अंदर वाले बीजों का तेल निकलता है।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਖਿਚੜੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੌਫੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ, ਕੌਫੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਚਲੇਂਗੇ। ਅਭੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਹਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 6 ਘੰਟੇ ਪੜੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਈਏਗਾ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਈਏਗਾ। ये एक्चुअली ये सिलेंडर सा होता है, ये आउटडोर सिलेंडर होता है, ये लगभग मेरा 20 दिन से महीना चल जाता है, हर बार ये 201 रुपए का आता है, फिर मैं इसको नया ले लेता हूँ। और चूल्हा ये इसके नीचे है, उसमें ही लाइटर है खुद का ही, बाकी चीज़ें सामने पड़ी है। ये मेरा कप है और वो अपना देखा, ये अपनी बोतल है। बनाओ सेहत हमारे साथ भी, कभी मिल बैठेंगे, कभी दो चम्मच खिचड़ी की खाएंगे। ऐसे ही ऐस करते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे। और ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर रेस्टोरेंट है भाई, वहाँ पे वहाँ से सनसेट का व्यू बड़ा मस्त आता है, अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ से सनसेट का व्यू देख सकते हो, और लोग अभी भी उसके ऊपर खड़े हैं देख सकते हो आप। और